नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों देश भर में छाई हुई है। अपनी रिलीज के साथ ही ये फिल्म कई रिकॉर्ड कायम करती नजर आई है। सिनेमा घरों में दस्तक देने से पहले ही कई तरह के विवादों में घिरी द कश्मीर फाइल्स लोगों के बीच काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद से ही रोजाना उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में फिल्म ने रविवार को अपने बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में एक नया मुकाम हासिल किया। फिल्म की बात करें तो विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी जैसे कई बड़े कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी को दर्शाया गया है। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री और सौरभ पांडे द्वारा सह लिखित इस फिल्म में आर्टिकल 370 से लेकर कश्मीर के इतिहास पर बात की गई है। रविवार को हुए फिल्म के ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म को छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है। फिल्म ने रविवार को करीब 14 करोड़ की कमाई कर ली है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रविवार को हुई कमाई के बाद द कश्मीर फाइल्स कोरोना काल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है।